हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 1 सितंबर 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। आज नए महीने का पहला दिन है तो उत्साह के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी होनी चाहिए। मैं वीडियो के शुरुआत में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, इसरो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च करेगा? क्वेश्चन है, इसरो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च करेगा? दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की है, इसके तहत आकाश को कितने हिस्से में बांटा गया है? ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन पॉलिसी लॉन्च की है, इसके तहत आकाश को कितने हिस्से में बांटा गया है? आप कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिखिए इसका आंसर और मैं इसके बारे में कल बताऊंगा आपको। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं 1 सितंबर 2018 का करेंट अफेयर्स। इसका वन लाइनर PDF और नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहा? आंसर है 8.2%। देखिए, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा 31 अगस्त को की है। मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है और ये पिछले 2 साल में सबसे ऊंची विकास दर है। इससे पहले 2015-16 की जनवरी मार्च की तिमाही में GDP में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई थी। उस वक्त जो GDP ग्रोथ रेट था वो 9.3% था। तो ताज़ा जो GDP के आंकड़े आए हैं उससे दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भारत का जो तमगा है वो और सुरक्षित हो गया है। अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन आइडिया का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आइडिया सेलुलर और वोडाफोन के विलय को मंजूरी दे दी है और इसी के साथ दोनों कंपनी मर्ज हो गई है और इसका नाम हो गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बालेश शर्मा। और इसके चेयरमैन बनाए गए हैं कुमार मंगलम बिरला, जो आदित्य बिरला ग्रुप के ऑनर हैं। ठीक है, तो इसी के साथ 15 साल से जो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का जो तमगा था एयरटेल के पास, उसे छिन गया है और वो तमगा मिल गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को। नई कंपनी 40 करोड़ 80 लाख ग्राहकों के साथ देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार मतलब इनोवेशन के प्रोत्साहन के लिए नई रैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है, तो इसका नाम बताएं। देखिए, सरकार रैंकिंग के थ्रू चाहती है कि इनोवेशन की संस्कृति को विकसित की जाए, नई चीज़ें बने, नई डिस्कवरी हो इंडिया में। तो इस प्रोत्साहन के लिए जो नई रैंकिंग शुरू की गई उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अटल नवोन्मेषी संस्थान उपलब्धि रैंकिंग यानी ARIIA। इसे इंग्लिश में कहेंगे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA। देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना जरूरी है ARIIA, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन आ जाते हैं और पूछ दिया जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 31 अगस्त 2018 को संपन्न हुआ है, इसमें कौन सा डिक्लेरेशन अपनाया गया है? आंसर होगा काठमांडू डिक्लेरेशन। देखिए, डिक्लेरेशन का मतलब होता है औपचारिक दस्तावेज जिसमें सारे देश मिलकर एग्री करते हैं, लिखते हैं और उस पर साइन करते हैं, उन बातों को कहते हैं कि हम इसको मानेंगे। देखिए, काठमांडू डिक्लेरेशन इसलिए नाम है क्योंकि ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह शिखर सम्मेलन हुआ था, तो जिस जगह शिखर सम्मेलन होता है उस जगह के नाम पर डिक्लेरेशन को कहते हैं, तो इसलिए काठमांडू डिक्लेरेशन कहेंगे। तो इस डिक्लेरेशन में गरीबी उन्मूलन, परिवहन और संचार, व्यापार व निवेश, आतंकवाद का मुकाबला, पर्यावरण व आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कृषि, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सदस्य देशों के बीच संपर्क, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यटन, पर्वतीय अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्री सीमाओं वाले सदस्य देशों के बीच अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सहयोग, कारोबार में समुद्र के माध्यम से एक दूसरे देशों के बीच सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एम शहीदुल इस्लाम, वो बांग्लादेश के हैं। उनकी नियुक्ति बिम्स्टेक के चौथे समिट के दौरान हुई है, 30 से 31 अगस्त 2018 के दौरान।
इससे पहले बिम्स्टेक के जो महासचिव थे वो सुमित नक नडाला थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर है श्रीलंका। देखिए, इससे पहले इसका अध्यक्ष नेपाल था और वहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, तो अगला शिखर सम्मेलन यानी फिफ्थ बिम्स्टेक समिट श्रीलंका में होगा और उसे इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की तीसरी बैठक मार्च 2019 में कहाँ होगी? आंसर है थाईलैंड। देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तो राष्ट्राध्यक्षों की होती है, इसके अलावा भी बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उनमें ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक पर्यटन सम्मेलन 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है नेपाल। तो बिम्स्टेक सम्मेलन में बौद्ध पर्यटन सर्किट, मंदिर पर्यटन सर्किट, प्राचीन शहरों के चिन्हों, पारिस्थितिकी पर्यटन और चिकित्सा पर्यटन को विकास और प्रोत्साहित करने के लिए सभी देशों ने प्रतिबद्धता जताई है और इसी का हिस्सा है ये पर्यटन सम्मेलन 2020। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर कितनी रही? इम्पोर्टेंट है ये। आंसर है 6.6%। केंद्र सरकार ने ये आंकड़ा 31 अगस्त को जारी किया है, यानी कल ही। देखिए, 8 कोर उद्योग में आते हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योग। तो ये आपको ध्यान रखना है, 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी है। तो इन 8 कोर इंडस्ट्रियों का संयुक्त सूचकांक जुलाई 2018 में 128.4 रहा, जो जुलाई 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 6.6% ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया था कि जुलाई 2018 में 8 कोर उद्योगों की वृद्धि दर 6.6% आंकी गई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट रहा है वो रिफाइनरी उत्पाद इंडस्ट्री में रहा है, यहाँ 12.3% ग्रोथ रेट रहा है। अब अगस्त 2018 का जो ग्रोथ रेट इंडेक्स है वो 1 अक्टूबर 2018 को जारी किया जाएगा, ये कुछ वक्त बाद जारी किया जाता है, तुरंत मंथ खत्म होने के साथ ही जारी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन 1 से 4 सितंबर तक किस देश में किया गया है? आंसर है नीदरलैंड। इसका उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक 1 सितंबर यानी आज ही करेंगे और इसका आयोजन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महर्षि आयुर्वेद फाउंडेशन नीदरलैंड, अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस नई दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी पुणे और नीदरलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से संयुक्त रूप से ये आयोजित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 का आयोजन नई दिल्ली में कब होगा? डेट बताना है आपको। आंसर है 25 से 27 अक्टूबर 2018। इसका सब्जेक्ट है, थीम है न्यू इंडिया हराइजन, कनेक्ट क्रिएट इनोवेट। ठीक है, इसमें बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश भी शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने किस जगह पर कृष्ण कुटीर का उद्घाटन किया है जो देश का सबसे बड़ा सरकारी विधवा गृह है? आंसर है वृंदावन मथुरा। ये उद्घाटन 31 अगस्त को किया गया है। देखिए, कृष्ण कुटीर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्वाधार गृह योजना के तहत बनाया गया है। एक इम्पॉर्टेंट है, स्वाधार गृह योजना। देखिए, अभी जो ALP के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कई योजनाओं के बारे में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कृष्ण कुटीर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्वाधार गृह योजना के तहत बनाया गया। इसमें 1000 महिलाओं के लिए निर्मित एक विशेष आवास है और किसी सरकारी संगठन द्वारा सृजित यानी बनाया हुआ अब तक का सबसे बड़ा सुविधा केंद्र है, आश्रय गृह है ये। इसका निर्माण वृंदावन में दयनीय स्थिति में रहने वाली विधवाओं की दुर्दशा में सुधार लाने के लिए किया गया है। देखिए, शुरू में मंत्रालय ने यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इन विधवाओं को अपने घर या गांव भेजने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब ने जाने से इनकार कर दिया था। वृंदावन में देश भर से आई हुई विधवाएँ रहती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की विधवाएँ हैं। उन्हें या तो घर से निकालकर परिवार वालों ने वृंदावन के आश्रमों में छोड़ दिया है या खुद वो यहाँ चली आई हैं। वो खुद को कृष्ण का भक्त मानती हैं, तो वो जा नहीं रही थी अपने घर, तो इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वहाँ पर कृष्ण कुटीर देश का सबसे बड़ा सरकारी विधवा गृह बना दिया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? आंसर है राणा कपूर। वो पहले भी सीईओ थे, उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। देखिए, यस बैंक ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इसी सप्ताह भामाशाह वॉलेट लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट के लिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से 7 और 8 सितंबर 2018 को आयोजित किया जाएगा? आंसर है मूव। इसे मूव विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन कहेंगे। इसका आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा। देखिए, इससे पहले दिल्ली में ही मोबिलिटी वीक का आयोजन शुरू कर दिया गया है। 31 अगस्त को शुरू हुआ ये, और इसकी शुरुआत की है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत ने, ठीक है। और ये जो विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन होगा 7 और 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में महिला हॉकी टीम ने 20 साल बाद कौन सा पदक जीता है? आंसर है सिल्वर। इस खिताबी मुकाबले में भारत जापान से कड़े मुकाबले में 1-2 से हार गया, और उसकी वजह से उसको सिल्वर पे ही संतोष करना पड़ा है। देखिए, 1998 के बाद एशियाई खेलों की महिला हॉकी स्पर्धा में भारतीय टीम ने यहाँ रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने अपने ड्राफ्ट में कहा है कि देश या इसके किसी पहलू की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जा सकता? आंसर है विधि आयोग यानी लॉ कमीशन। लॉ कमीशन ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि देश या इसके किसी पहलू की आलोचना को देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए, नहीं माना जा सकता है। आयोग ने कहा है कि ये आरोप उन्हीं मामलों में लगाया जा सकता है जहां इरादा हिंसा या अवैध तरीके से सरकार को अपदस्थ करने का हो। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कौन सा देश भारत को 120 मिलियन यूरो सॉफ्ट लोन प्रदान करेगा? आंसर है जर्मनी। जर्मनी ने इसका ऐलान किया है, और क्यों किया है? तो देखिए, जर्मनी में दो नदी है, राइन और दानूबे, ठीक है। दोनों बहुत प्रदूषित थी, कई सारी नदियां हैं लेकिन ये जो दोनों नदियां हैं वो बहुत प्रदूषित थी, लेकिन ये आज बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको साफ़ कर दिया, तो जर्मनी ने जो तकनीक अपनाई है उससे मदद करेगा भारत को, वो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज काकाडू समुद्री अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट ऑफ डार्विन को पहुंचा है? आंसर है आईएनएस सहाद्री। यही जहाज था जो प्रशांत महासागर में भी गया था, वहां पर अमेरिका की रिमपैक एक्सरसाइज हुई थी, वो अमेरिका के हवाई और कैलिफोर्निया में हुई थी। तो अब यही जहाज ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट ऑफ डार्विन में पहुंचा है, वहां पर काकुडू समुद्री अभ्यास होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 5 दिवसीय वोस्टोक 2018 सैन्य अभ्यास 11 सितंबर से शुरू होगा, तो इस अभ्यास में कौन सा देश हिस्सा लेगा? देखिए, इनमें तीनों यानी रूस, चीन और मंगोलिया, उपरोक्त सभी। इसमें चीन और रूस मुख्य रूप से अभ्यास करेगा, बहुत बड़ा अभ्यास है ये। दरअसल चीन का ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी चीन ने ही इसकी अगुवाई की है अमेरिका को दिखाने के लिए अपनी ताकत। अमेरिका ने रिमपैक एक्सरसाइज में चीन को शामिल नहीं किया था, तो उसके मन में जलन भी है और वो दिखाना चाहता है कि एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने कल भी लिया था, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2018 का खिताब किसने जीता? जिसका सही आंसर है सेबेस्टियन वेट्टल, ठीक है, सही आंसर है सेबेस्टियन वेट्टल। तो ये था सितंबर 2018 के पहले दिन का करंट अफेयर्स। अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएँ इस वीडियो के। आप अपने दोस्तों को ये करंट अफेयर्स जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या कोई भी सोशल मीडिया पर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए वो सपोर्ट ही होगा। करंट अफेयर्स का डिटेल नोट्स और इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ पर आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।